दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा काफी कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और आने वाले एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर राखी दुबे पैसे देती है और काव्या बिना किसी से पूछे पाछे कहती है कि हाँ, यहां पर कोई पार्टी थोड़ी चल रही है, पैसे मैं रख रही हूं और वो पैसे ले लेती है। लेकिन वरराज को बहुत बुरा लग रहा होता है और राखी दुबे मन ही मन सोचती है कि मैं इस तरह कैफे को तो ताला लगवा के रहूंगी, फिर देखना ये दूसरे एक दूसरे को काटने में दौड़ेंगे और मैं दूसरी तरफ किंजल और तोशु को पैराडाइज में शिफ्ट कर दूंगी। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, रात को दिखाया जाता है कि किंजल माफी मांगती है वनराज से और उसको हेडेक हो रहा होता है, तो कहता है कि तुम बीच बड़ों के मामले में मत पड़ो, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और वनराज को वो चंपी देती है और वो काफी खुश हो जाता है। तो अभी अनुपमा और बा देखकर उसको कहते हैं कि हाँ चलो, इसने तो जल्दी ही अपनी गलती सुधार ली और अपनी बहू को बेटी बना लिया और हम कितने लकी हैं कि हमें दोनों बहुएं बेटियों जैसी मिली हैं। दोनों अकेडमी और कैफे संभालती है तो दूसरा घर संभालती है। और अनुपमा कहती है कि दोनों ही लेकिन फैसला गलत ना ले बाहर शिफ्ट होने का। सुबह होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जल्दी से नंदिनी आती है और नंदिनी बताती है कि मानसी नाम की कोई एक फूड क्रिटिक आने वाली है जो कि रिव्यूज देती है कैफे के बारे में, होटल्स के बारे में खाना खाकर, और उसका अगर वो अच्छा रिव्यू देगी तो हमारे पास क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हर कोई किसी कैफे को तभी विजिट करता है जब वो उसके रिव्यूज अच्छे होते हैं इंटरनेट पर। और सभी को टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, और अगर अच्छा हो गया तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो गया तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और दिखाया जाता है कि उन्हें डर है कि कहीं अनुपमा वाली रेसिपीज ना ऑर्डर कर दे, तो सभी बा और वो सेफ दोनों ही मिलकर ट्राई करते हैं बार बार वो थेपला और सब कुछ बनाने की, लेकिन अनुपमा जैसा स्वाद नहीं बैठ रहा है। तो दूसरी तरफ अनुपमा समर और नंदिनी को कहते हैं कि मैं इधर तो संभाल लूंगी डांस अकेडमी, लेकिन तुम जाकर कैफे में संभालो। और वहाँ पर आती है काव्या और वो उस पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है और कहती है कि आज जब तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम हमारी मदद कर दो, लेकिन तुम मदद नहीं कर रही हो। अनुपमा उसे कोई जवाब नहीं देती और काव्या फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चली जाती है। और दिखाया जाता है कि मानसी आती है और बैठ जाती है और वापस से फिर से वही अनुपमा वाली डिशेस ऑर्डर करती है। और ये देखकर काव्या कहती है लो गई भैंस पानी में, अब तो ये अनुपमा अपने इस कैफे को लेकर ही डूबेगी। तभी अनुपमा आती है और कहती है कि खून मत जलाओ, आ गई हूँ बना रही हूँ। और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा की रेसिपीज खाकर अब मानसी वहाँ पर कोई भी रिव्यूज नहीं देती है, या कहती है कि मुझे इस ओनर की फोटो लेनी है। और काव्या जबरदस्ती वनराज के साथ में अकेले फोटो खिंचवाती है और किसी को साथ में नहीं आने देती। और काव्या पूछती है तो वो कहती है कि ये तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कैफे की क्या रेटिंग्स हैं। और हम देखना है कि मानसी सेफ की तारीफ करती है या फिर काव्या और वनराज की। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा होगा और काव्या की बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी खुद की जगह अनुपमा का नाम देखकर।